ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। जब पूरी दुनिया में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ था, तब भारत में भी कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे भारत में लॉकडाउन लगा दिया था। ऐसी परिस्थिति में रोज कमाने खाने वाले लोगों के सामने अपने परिवार का पेट भरने का विकट परिस्थिति थी। उस विकट परिस्थिति में मजदूर और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आया स्माइल फाउंडेशन, जिसने सभी गरीब और जरूरतमंदों को घर में राशन के किट बांटे। स्माइल फाउंडेशन आज भी अपने इस कार्य को निरंतर कर रही है। आज स्माइल फाउंडेशन ने खारघर के आदिवासी गांवों में जाकर उनके बच्चों को चॉकलेट पाउडर की बोतल और घर के जरूरी सामान बांटे। इस कार्य में उमा आहूजा, शालिनी विधानी, प्रियंका सिंह, अरुणा आनंद, शेफाली नायर, अवनीत भाटिया, भावना अग्रवाल, ये पूरी टीम मिलकर कर रहे हैं। हमने जो है ये सब काम शुरू तो किया है 8 मार्च से, और जितना हो सके हमने लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है, भले वो नवी मुंबई हो, नवी मुंबई के क्षेत्र से बाहर हो, यहाँ तक कि लोनावला तक भी पहुँचे हम। अनाथ आश्रम है वहाँ पर, यहाँ पर भी काफ़ी कोपर ठहरने और वगैरह काफ़ी जगह पर अनाथ आश्रम है, वहाँ पर भी दिया है, और जितना हो सके हम आगे ये कार्य करते रहेंगे। मेरा नाम है अवनीत भाटिया जी, और मैं भी स्माइल्स फाउंडेशन की फाउंडर हूँ जी। एंड इन सब के साथ हम लोगों ने ये कार्य शुरू किया है, और अचानक ये ऐसा हो गया कि कोरोना आ गया, तो हमें एक मौका भी मिला है सबकी सेवा करने के लिए, और हम वो कर रहे हैं। मैं भी स्माइल्स फाउंडेशन की फाउंडिंग मेंबर हूँ। तो कल जैसे अवनीत ने बताया कि हम 600 लोगों को राशन प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ बच्चों के लिए भी ड्रिंकिंग चॉकलेट्स देने वाले हैं। उनके इस काम में विशेष सहयोग दे रहे हैं धीरज आहूजा, ये हमेशा ही उनके इस काम को अंजाम देने के लिए हमेशा उनके साथ हर तत्पर सहयोग कर रहे हैं। स्माइल्स फाउंडेशन, ये 7 लेडीज हैं, इन्होंने कार्य शुरू किया था 8 मार्च से, और 8 मार्च के बाद जो है इन्होंने सैनिटाइजर और मास्क देना शुरू किया था। ये सभी को समझ में आ रहा था कि जो मास्क और सैनिटाइजर हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 18 मार्च तक इन्होंने वो काम किया, जहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट में भी दिया, गरीबों को भी दिया, स्लम एरियाज जो तुरबे में हैं वहाँ पर भी बांटा। उसके बाद जो है ये 7 लेडीज़ ने आके मिल के, जो स्माइल्स फाउंडेशन की जो 7 महिलाएं हैं, इन्होंने जो है शुरू किया काम राशन का, जो लॉकडाउन के बाद से शुरू हुआ। पहले 22 तारीख को हुआ था, उन दिनों तो ये समझ में नहीं आया कि जो है इसके बाद एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट 24 के बाद जैसे ही शुरू हुआ तो 24 और 25 से जो है सब गरीबों को खाना खिलाना शुरू किया था। पहले जो है इन्होंने 1200 लोगों को खाना खिलाया, और वो 3 महीने पूरे जो हमने पूरे किए हैं वो बांटे हैं। 1200 लोगों को जो है रोज़ खाना गया है। जो यात्री वापस जा रहे थे अपने गांव, उनके लिए जो है बीच बीच में एक एक दिन जो है 5000 भी डब्बे गए हैं दाल खिचड़ी के। और ये 2 गुरुद्वारों में बन रहा था, एक हमारा प्राइवेट किचन है वहाँ पर भी बन रहा था। और राशन जो है अब आज की तारीख में अगर देखा जाए तो हम 17000 घरों तक राशन जो है पहुँचा चुके हैं। उसमें जो है चावल, दाल, आलू, प्याज, तेल, बिस्किट, ये सब हमने बांटा है। महिलाओं की तरफ से ही है जो स्माइल फाउंडेशन की है। और पूरे 17000 मीन्स आयरोली से लेके पनवेल तक, प्लस उरन, चिड़नेर गांव, जोगेश्वरी, नाला सुपारा, शीलफाटा, बाइकला, यहां तक सब सामान जो है जा चुका है। साथ ही उनके साथ हर जरूरतमंद तक राशन का सामान पहुंचाने के लिए संदीप मेहर और जय पाटिल भी कर रहे हैं। स्माइल फाउंडेशन इस काम को लगभग 3 महीनों से कर रहे हैं। अब तक 17000 परिवारों से भी ज्यादा को जरूरत का सामान पहुंचा चुके हैं।